विरोधी आंदोलन के बैनर तले दहेज विरोधी ग्रुप के कार्यकर्ताओं ने आजाद नगर पागवाड़ा स्थित बैंकट हॉल में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मंच पर पूर्व विधायक जाहिद हुसैन, मौलाना आबिद हुसैन, पागवाड़ा के शाही इमाम हाजी शम्मे अली, मौलाना अनवर हुसैन, मौलाना जहीर आलम इकबाल हुसैन मौजूद हैं। मंच पर बैठे वक्ताओं ने कहा कि शादी में गैर इस्लामिक रस्म बारात का वजूद खत्म किया जाए, लड़के की हैसियत के मुताबिक मेहर मुकर्रर करके अदायगी कराई जाए, लड़की वालों की तरफ से किसी भी दावत का एहतमाम इंतजाम ना किया जाए, निकाह के बाद हस्ब हैसियत लड़के वालों की तरफ से दावत वलीमा का एहतमाम किया जाए। बैठक का संचालन अशरत अली, बैठक का संयोजक बी एच मिल्की द्वारा किया गया। क्या नाम आपका? बी एच मिल्की। मिल्की, क्या क्या काम यहाँ पे, क्या कार्यक्रम था? दहेज विरोधी मंच की एक मीटिंग कर रहे हैं। एक्चुअल में आज आप देख रहे हैं कि हमारा समाज दहेज जैसी कुप्रथा से बहुत प्रभावित हो रहा है और आए दिन बेटियाँ कहीं आत्महत्या कर रही हैं, कहीं जलाया जा रहा है, कहीं तलाक दी जा रही है, कहीं गरीब लोग बहुत परेशान हैं। तमाम समाज में इसका बहुत बुरी तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। दहेज का हमारे मन में एक विचार आया है कि क्यों ना इस दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए, इसलिए हमने एक दहेज विरोधी आंदोलन शुरू किया है। इसमें कई मीटिंग हम पहले भी कर चुके हैं और आज पागवाड़ा में इसकी मीटिंग रखी गई है, तो सभी लोगों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है, इसलिए हम दहेज विरोधी आंदोलन चलाकर और समाज से दहेज प्रथा को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हम अपने पैसे की बचत कर सकें, अपने पैसा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ा सकें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें ताकि हमारा समाज विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। क्योंकि ये दहेज प्रथा एक ऐसी चीज़ है जो समाज को अपाहिज बना रही है और दिन प्रतिदिन हम इसमें फालतू खर्चे करके और अपना बहुत नुकसान उठा चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो और समाज तरक्की करे, बहन बेटियों को सम्मान मिले, तमाम गरीब बेटियां सम्मान से अपने घरों में शादीशुदा होकर रहें, अमन और चैन हो, हर आदमी को कोई टेंशन नहीं हो,